हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जो औरैया का दर्दनाक हादसा हुआ है उस पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने संवेदना व्यक्त की है और लोगों से अपील की है कि वो संयम बनाकर रखें। सरकार प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मानता हूं कि बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं श्रमिकों से बार बार अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि संयम रखें और उनके यथास्थान पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। 200 बसों को जिलाधिकारियों के सुपुर्द करके रखा गया है कि सुरक्षित इनकी जो वापसी है वो सुरक्षित हो सके, उसके सारे प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ये हादसा वास्तव में दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो SHO थे उनको निलंबित किया है। साथ में जो मथुरा जिधर से होके आए थे, मथुरा आगरा के SSP और ASP और AD जोन से आगरा के, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको और 50-50 हज़ार रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है।